इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एडवेंचर के लिए जंगल से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कार के सामने हिरण आ जाता है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में सिर्फ वो बच्चा ही जिंदा बच पाता है जिसका नाम पिट होता है। पिट बहुत रोता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो कार से बाहर निकलकर अपनी स्टोरी बुक को उठाता है, लेकिन तभी उसे किसी जानवर के आने की आवाज आती है जिससे डरकर वो जंगल की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे भेड़ियों का एक झुंड पड़ जाता है। वो भागता हुआ जंगल के बीच में पहुंचता है जहां उसे एक ड्रैगन नजर आता है और वो ड्रैगन उस बच्चे को उन भेड़ियों से बचा लेता है और फिर पिट उस ड्रैगन से पूछता है कि क्या तुम मुझे खा लोगे, तो ड्रैगन उसके बेक को उसके पास खिसकाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और फिर पिट भी उससे दोस्ती कर लेता है और पिट उस ड्रैगन का नाम एलियट रखता है और एलियट उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हमें 6 साल बाद उसी जंगल के पास वाले शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर हम मेकमैन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो बच्चों को ड्रैगन की स्टोरी सुना रहा होता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास वाले जंगल में ड्रैगन मौजूद है और मैंने उन्हें देखा है, लेकिन उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता और वो सब उसे एक स्टोरी मानते हैं। लेकिन तभी वहाँ मेकमैन की बेटी ग्रेस आती है जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होती है जिसको भी अपने डेट की सारी बातें झूठी लगती है और अपने डेट से कहती है कि मैंने इतने साल जंगल में गुजारे हैं लेकिन मैंने अभी तक किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा, जिसपे उसके डेट कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें नजर ना आए उसके होने का वजूद ना हो। फिर ग्रेस वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पिट को दिखाया जाता है जो उसी जंगल में रहता है और अब एलियट उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका होता है और वो हमेशा उसके साथ रहता है। वो दोनों जंगल में काफी मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलियट के पास एक मैजिकल पावर है जिसकी मदद से वो अपने आप को इनविजिबल कर सकता है और एलियट की इसी पावर की वजह से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। और फिर वो मस्ती करने के बाद अपनी गुफा की तरफ लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें ग्रेस के आने की आवाज आती है और एलियट अपने मैजिक से छिप जाता है और पिट ग्रेस का पीछा करने लगता है। ग्रेस जंगलों में उन पेड़ों पर निशान लगा रही थी जिन्हें काटना था, लेकिन तभी पिट को उसका कंपास नजर आता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो चुपके से उसे उठा लेता है और फिर वो वापस गुफा में चला जाता है जहां वो और एलियट रहा करते थे। फिर पिट अपनी स्टोरी बुक में से स्टोरी पढ़ता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। सुबह जब पीट की जल्दी आंख खुल जाती है तो उसे कुछ आवाजें आती है, इसीलिए वो एलियट को उठाता है, लेकिन वो सो रहा होता है इसीलिए वो अकेले ही जंगल की तरफ भागता है तो वो देखता है कि गेविन उन पेड़ों को भी काट रहा था जिनको नहीं काटना था। लेकिन तभी ग्रेस अपने हस्बैंड जेक के साथ वहाँ आ जाती है और गेविन को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि गेविन उसके हस्बैंड का भाई होता है। लेकिन तभी ग्रेस की बेटी नेटेलाई पीट को देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पीट उससे चिपकर भागने लग जाता है, लेकिन नेटेलाई उसे देख लेती है कि वो पेड़ पर चढ़ रहा है तो वो भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन नेटेलाई को ठीक से पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसी वजह से वो पेड़ से लटक जाती है। तो पिट उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाते हैं जिससे नेटेलाई को चोट लग जाती है। लेकिन फिर नेटेलाई पिट से अपना नाम पूछती है और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, लेकिन तभी नेटेलाई को ढूंढते ढूंढते वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और जेक उससे पूछता है कि तुम अकेले ही जंगल के अंदर क्यों आई, तो नेटेलाई उन्हें बताती है कि वो पीट के पीछे आई है। ग्रेस पीट को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी हालत एक जंगली की तरह थी, इसीलिए वो उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। तभी वो देखती है कि उसके गले में उसका कंपास है तो उसे लेने के लिए उसके पास जाने लगती है, तो पीट उससे डरकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गेविन उसे पकड़ लेता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। पीट को चोट लगते ही ड्रैगन को महसूस हो जाता है कि पीट मुसीबत में है और उसे ढूंढने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस पीट को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और वहीं एलियट पीट को ढूंढते ढूंढते गेविन और उनके साथियों के पास पहुंचता है और गुस्से में उन पर एक पेड़ गिरा देता है जिससे गेविन को पता चल जाता है कि जंगल में कोई है और उसका शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ निकलता है। वहीं हॉस्पिटल में जैसे ही पीट को होश आता है तो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और इधर उधर भागने लगता है। वहीं ग्रेस को डॉक्टर बताती है कि पीट की हालत अब सही है। ग्रेस एक पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि वो बच्चा जंगल में कैसे है, तो ऑफिसर कहता है कि हम पता लगाएंगे कि बच्चा कौन है और उसकी फैमिली कहाँ है, और जब तक हम इस बात का पता नहीं लगा लेते तब तक पीट को एनजीओ के पास रखा जाएगा। पीट उनकी बातें सुन लेता है और वो वापस एलियट के पास जाने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेटेलाई का इलाज करके नर्स जब उसको बाहर लाती है तो नेटेलाई पीट को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है कि पीट वहाँ नहीं है तो सभी को बताती है। वहीं दूसरी तरफ पीट शहर में खुद को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो किस तरफ जाए।
है। वो इधर उधर भागते हुए एलियट को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी ग्रेस उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और उसको पकड़ लेती है। लेकिन ग्रेस के टच से पीट को ऐसा फील होता है जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। वहीं जंगल में गेविन और उसके साथियों को एक बड़ा सा पेड़ का निशान दिखाई देता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एलियट वहीं था और अपनी पावर की मदद से इनविजिबल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस पीट को अपने घर ले जाती है, जहाँ पीट वापस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे पकड़ लेती है और उसे समझाती है कि वो भी बचपन में उसी के जैसी थी और वो जंगल से बहुत प्यार करती थी और उसे ही अपना घर समझती थी। इसी वजह से उसने बड़े होकर जंगल को बचाने का काम शुरू किया और फिर वो पीट से वादा करती है कि हम कल तुम्हारे घर को ढूंढने जाएंगे। फिर ग्रेस पीट को अंदर ले जाती है। पीट इतने सालों से जंगल में रह रहा था, इसी वजह से उसे किसी भी चीज की समझ नहीं होती, लेकिन ग्रेस के केयरिंग और लविंग नेचर की वजह से पीट अब उनके साथ घुलने मिलने लग गया था। उसी रात गेविन अपने साथियों के साथ ड्रैगन की तलाश करने जाते हैं और उसे वहाँ उसी पेड़ के नीचे एक गुफा मिलती है जिसमें पीट एलियट के साथ रहता था। वो जब गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर पीट की स्टोरी बुक भी मिलती है और जैसे वो बुक लेकर जाने लगता है तो एलियट उन पर हमला कर देता है, जिससे सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो अब अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एलियट उनकी कार को पकड़ लेता है और गेविन एलियट को मारने के लिए उस पर फायर करने लगता है, लेकिन एलियट उसकी गन को तोड़ देता है, लेकिन उसे नहीं मारता और उन्हें भागने देता है और उनकी कार का पीछा करने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनकी मदद से पीट तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीट ग्रेस और नेटेलाई के साथ अब घुल मिलकर रहने लग गया था और नेटेलाई और पीट अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं ग्रेस को उस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताता है कि पुराने रिकॉर्ड से पता चला है कि पीट के पेरेंट 6 साल पहले उसी जंगल में एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पीट पिछले 6 सालों से उसी जंगल में था। फिर ऑफिसर कहता है कि मैंने एक एनजीओ से बात की है और वही अब उसकी देखभाल करेगा, इसीलिए कल आप उसे लेकर आ जाना, इससे आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। वहीं नेटेलाई पीट से पूछती है कि एलियट कौन है, क्योंकि पीट काफी समय से एलियट के बारे में बोल रहा था तो पीट उसे एलियट की ड्राइंग बनाकर दिखाता है कि ये मेरा दोस्त है। वहीं एलियट पूरे शहर में पीट को ढूंढ रहा था। वहीं नेटेलाई पीट को बताती है कि ये तो ड्रैगन है और इनकी स्टोरी मेरे फादर हमेशा हमें सुनाया करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ड्रैगन नॉर्थ की तरफ रहते हैं और वो उसे ध्रुव तारा दिखाती है और बताती है कि अगर हम उस दिशा में जाएं तो हमें वहाँ ड्रैगन मिलेंगे और वही ड्रैगन का असली घर है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो पीट को अकेले में बात करने का कहती है। ग्रेस पीट से थैंक कहती है क्योंकि उसने उसका कंपास लौटाया था, क्योंकि वो कंपास उसके डैड ने उसे दिया था और उसमें उसकी फैमिली फोटो भी थी। फिर ग्रेस उससे पूछती है कि तुम जंगल में कैसे आए थे, तो पीट उन्हें सारी बात बताता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। तो ग्रेस उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारी जितनी बड़ी थी तब मेरी माँ भी गुजर गई थी और मुझे भी बहुत दुख हुआ था। फिर वो पीट से कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पीट कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ एलियट है। तो ग्रेस कहती है कि एलियट कौन है, तो पीट ग्रेस को अपनी बनाई हुई ड्रॉइंग दिखाता है और कहता है कि एलियट है। ग्रेस उस ड्रॉइंग को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो ड्रॉइंग एक ड्रैगन की होती है। लेकिन फिर पीट कहता है कि कल आप मेरे साथ जंगल चलना, मैं आपको एलियट से मिलवाऊंगा। फिर हमें गेविन को दिखाया जाता है जो जेक के पास आता है और उसे ड्रैगन को पकड़ने में हेल्प करने का कहता है और उसे ड्रैगन के बारे में सब कुछ बताता है जो कुछ उसके साथ जंगल में हुआ था। लेकिन गेविन की बातों पर जेक को विश्वास नहीं होता, इसीलिए गेविन गुस्से में ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की बातों को ग्रेस सुन लेती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ड्रैगन सच में जंगल में मौजूद है। वहीं एलियट पीट को ढूंढते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि पीट, जेक, ग्रेस और नेटेलाई सब उसके साथ में है और वो बैठे हुए स्टोरी बुक पढ़ रहे होते हैं और पीट उनके साथ बहुत खुश होता है। तो एलियट वहाँ से उदास होकर जाने लगता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया हो। और फिर एलियट वापस उसी गुफा में सो जाता है और वो बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस अपने फादर के पास जाती है और उन्हें पीट की बनाई हुई ड्रैगन की ड्राइंग दिखाती है जिसे उसके फादर अपनी ड्राइंग से मैच करते हैं, जो बिल्कुल एक जैसी थी। तब ग्रेस अपने फादर से पूछती है कि आपने उस दिन जंगल में क्या देखा था और मुझे सब कुछ सही सही बताना। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं हमेशा की तरह शिकार करने गया था और मौसम भी साफ था, लेकिन अचानक सभी तरह अंधेरा छा गया और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर एक ड्रैगन था जिसे देखते ही मैं काफी ज्यादा डर गया और इतना मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं डरा था और मैंने घबराहट में अपनी गन निकाली और उसकी तरफ पॉइंट की, लेकिन उस ड्रैगन ने मुझ पर हमला नहीं किया और तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक ऊपर वाले का करिश्मा है और इससे पहले मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन
लेकिन फिर वो ड्रैगन वहाँ से चला गया। और फिर जब मैंने वापस आकर सभी को उस ड्रैगन के बारे में बताया तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो फिर ग्रेस कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं उस जंगल में सालों से जा रही हूँ लेकिन मुझे तो वहाँ ड्रैगन कभी नजर नहीं आया। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें तो पीट भी नजर नहीं आया। नेक्स्ट डे ग्रेस पीट और नेटलाई के साथ एनजीओ जाती है लेकिन वो अंदर नहीं जाती क्योंकि एनजीओ वाले उसे ले जाएंगे। और फिर वो जंगल में पीट के घर की तरफ निकलते हैं और साथ में अपने फादर को भी लेकर जाती है। और फिर वो जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर पीट उनको अपने ट्री हाउस तक लेकर जाता है। और उस पेड़ को अभी तक ग्रेस ने भी नहीं देखा था क्योंकि वो जंगल में काफी अंदर था। और फिर पीट अंदर गुफा में जाकर एलियट को बाहर लेकर आता है जिसे देखकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। और अब ग्रेस को भी विश्वास हो जाता है कि ड्रैगन सच में होते हैं। फिर नेटलाई उसे टच करती है और वो बहुत खुश भी होती है। और आज ग्रेस के फादर भी अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं लेकिन तभी वहाँ गेविन अपने साथियों के साथ आ जाता है और एलियट पर हमला कर देता है। एलियट खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रस्सियों से पकड़ लेते हैं। फिर पीट उन्हें जाकर मारने लगता है जिससे एलियट को उड़ने का मौका मिल जाता है लेकिन एलियट उड़ नहीं पाता क्योंकि उस पर बेहोशी के इंजेक्शन से अटैक किया गया था। और फिर गेविन उसे पकड़कर अपने वेयर हाउस में ले आता है और उसे चेन से बांध कर रखता है। वहीं जेक एनिमल कंट्रोल वालों को फोन करके बता देता है ताकि उसका चार्ज संभाल सके लेकिन गेविन इसके लिए रेडी नहीं होता क्योंकि वो कहता है कि ये मेरी खोज है। और वो खुद को उसका मालिक समझता है और कहता है कि वो इसके जरिए पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। वहीं पीट बहुत दुखी होता है। पीट कहता है कि हम दोनों को जाने दो, हम दोनों कभी भी किसी को नजर नहीं आएंगे। तभी नेटलाई कहती है कि ग्रेस को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर गेविन के पास पहुंचते हैं लेकिन गेविन ऑफिसर से कहता है कि आप उसे सिर्फ देख सकते हैं और उसका असली मालिक मैं ही रहूंगा क्योंकि वो मेरी खोज है और मैंने उसे खोजा है। वहीं नेटलाई पीट को उस वेयर हाउस में जाने का एक रास्ता बताती है और वो दोनों एक पाइप के थ्रू उस वेयर हाउस में पहुंचते हैं। और पीट एलियट को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे चेन से बांधा गया था। और जब गेविन और ऑफिसर अंदर आने के लिए गेट को खोलते हैं तो गेट अंदर से लॉक होता है क्योंकि नेटलाई ने गेट को अंदर से लॉक कर दिया था। और फिर दोनों मिलकर एलियट को चेन से आजाद कर देते हैं और उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उड़ पाता। तभी गेविन और ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता और उन सभी को लगता है कि ड्रैगन उड़ गया है। और गेविन उसे पकड़ने के लिए वापस जंगल के लिए निकलता है लेकिन तभी ग्रेस वहाँ आती है और वो देखती है कि वो तीनों वही वेयर हाउस में ही है क्योंकि ड्रैगन ने खुद को अपने मैजिक की मदद से इनविजिबल कर लिया था और अब उन्हें कैसे भी करके एलियट को यहाँ से बाहर निकालना था। इसलिए नेटलाई और पीट ट्रक से उसे लेकर जाने का सोचते हैं और नेटलाई ट्रक चलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ ग्रेस के फादर आ जाते हैं और वो वेयर हाउस को तोड़ते हुए ट्रक को बाहर निकाल लेते हैं और बहुत ही स्पीड में ट्रक को जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। ये देखकर गेविन, ग्रेस, जेक और ऑफिसर सब उस ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं। तभी गेविन, जो कि कैसे भी करके एलियट को रोकना चाहता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी को आगे निकाल कर ट्रक के सामने लगा देता है जिससे ग्रेस के फादर ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके होते हैं। लेकिन ये देखकर कि वो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो सामने से हट जाते हैं और ट्रक गेविन की गाड़ी को उड़ाते हुए निकल जाता है। वो सब ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और अब एलियट उड़कर ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है लेकिन एलियट इतने सारे लोगों को पीछे आता देख बहुत डर जाता है और उसी डर में वो ब्रिज पर आग उगलने लग जाता है ताकि वो सब डर कर वहाँ से चले जाए। लेकिन तभी ग्रेस और जे की कार उस आग में फंस जाती है। ये देख गेविन उन्हें बचाने के लिए उनके पास आता है लेकिन आग की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और गाड़ी भी धीरे धीरे नीचे गिर रही होती है। वहीं पीट एलियट को समझाता है कि वो अच्छे हैं, उन्हें बचाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो फिर एलियट उन्हें गिरने से बचा लेता है लेकिन तभी ब्रिज टूट जाता है जिससे जेक, ग्रेस और एलियट तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर नेटलाई और ग्रेस के फादर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मर गए हैं। लेकिन पीट उन्हें बहुत आशा से देख रहा होता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एलियट उन दोनों को जरूर बचा लेगा। तभी वो देखते हैं कि एलियट उड़ता हुआ बाहर आ जाता है और जेक और ग्रेस उसके ऊपर बैठे होते हैं। और एलियट के इस प्यार को देख गेविन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है लेकिन तभी उन सबकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो एलियट को पकड़ने आ रहे थे। ये देख पीट एलियट को लेकर वहाँ से उड़ जाता है लेकिन ग्रेस पीट को दूर जाता देख बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि वो पीट से प्यार करने लगी थी। वहीं जब एलियट और पीट जंगल में अपने घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो टूट चुका है। तब पीट एलियट से कहता है कि हमें कहीं और अपना घर बनाना होगा, जिस पर एलियट कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि सबको पता चल चुका है और वो हमारी खोज में दोबारा जरूर आएंगे, इसीलिए हम छिप सकते हैं जैसे हम पहले छिपते थे। लेकिन पीट कहता है कि मेरा क्या, मैं तो नहीं छिप सकता। तो
पीट उसकी बुक दिखाकर उसको इशारों में कहता है कि अब तुम्हें ग्रेस और उसकी फैमिली के साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम उनके साथ ही खुश रहोगे। लेकिन पीट तैयार नहीं होता क्योंकि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फिर एलियट उसे अपने गले से लगा लेता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। वहीं ग्रेस भी पीट की याद में बहुत रोती है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखते हैं कि पीट और एलियट बाहर ही खड़े हैं। पीट को देखते ही ग्रेस उसे गले लगा लेती है और एलियट पीट को उनके पास छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद काफी समय गुजर चुका है और सभी लोगों के मन से ड्रैगन का ख्याल भी गायब हो गया है क्योंकि वो ड्रैगन किसी को भी नजर नहीं आया और वो सिर्फ एक स्टोरी बनकर रह गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीट को ग्रेस और जेक ने एडॉप्ट कर लिया है और वो अब साथ में रहते हैं। और वही गेविन अपने काम में बिजी होता है और वो सब ड्रैगन को भुला चुके होते हैं। लेकिन कभी कभी पीट अपनी फैमिली के साथ एलियट से मिलने ध्रुव तारे के पास जाते हैं और अब दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।